अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रॉनिकल टेक की तरफ से हाजिर हुआ हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है और कैसे आप वेब डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं एज ए कैरियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेब डिज़ाइनिंग को। वेब डिज़ाइनिंग होता है वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना। आप जब इंटरनेट पर जाते हैं और आपको एक वेबसाइट मिलती है, उसके जो फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है वो होता है वेब डिज़ाइन। इसमें ग्राफिक डिज़ाइन भी आ जाता है और वेबसाइट का डिज़ाइन करना भी आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन में इसके अंदर जो इमेजेस इस्तेमाल होती हैं उनको डिज़ाइन करना आ जाता है। तो आप फेसबुक पे जाते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है आपका होम, उसके अलावा जो बाकी बटन वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, इसके अलावा नीचे डिज़ाइन क्या होता है, एक साइड पर आपके चैट वगैरह आ रही होती है, ये सारा डिज़ाइन जो किया होता है ये वेब डिज़ाइनिंग का कमाल है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है, डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लैंग्वेजेस की, कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। इसमें इस्तेमाल होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML जो होती है इसमें हम टैग्स को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल में लें तो एक बिल्डिंग जो होती है उसका एक लेआउट बनाना, जो उसमें डिज़ाइनिंग नहीं करना, बस सिंपल एक लेआउट है, बिल्डिंग खड़ी हो गई है बस, वो बनाना, वो होता है HTML जब हम वेबसाइट्स के टर्म में देखते हैं। इसमें हम इसके बाद हम आते हैं CSS पे। CSS भी एक लैंग्वेज है जो कैस्केड स्टाइल शीट। इसमें हम डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट को, जो स्ट्रक्चर हमने HTML के थ्रू बनाया है उसको डिज़ाइन करते हैं। हमने जो मकान एक बना लिया है रियल वर्ल्ड में, अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर जो इसको रंग वगैरह करना है, उसकी अलमारियाँ बनाना, उसकी खिड़कियों को खूबसूरती से डिज़ाइन करना, वो होता है CSS वेबसाइट के टर्म में। अब ये मिक्स हो रहा है, लेकिन इसको आप समझे कि CSS को कि हम HTML में सिंपल लेआउट बनाते हैं और CSS के थ्रू उस लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, और इन दोनों का नाम अक्सर आप इकट्ठे सुनेंगे, HTML और CSS। और अभी तो इसका जो HTML का है वो HTML5 चल रहा है वर्जन, और CSS का CSS3 चल रहा है। इसके बाद आप क्या कहते हैं JavaScript। HTML से जो आप पेजेस बनाते हैं वेब के लिए वो होते हैं स्टैटिक पेजेस। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ जाता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक। तो इसके जो सोल्यूशन है वो है आप JavaScript को इस्तेमाल करते हुए डायनामिक पेजेस बनाएं, इस तरह आपका कोड कम होगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आपका कोड और भी कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बेसिक्स पे काम बात कर रहे हैं, तो फिर बेसिक में यही है कि आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करें HTML के बाद, और देन आपकी जो वेब डिज़ाइनिंग है वो इन तीनों में हो ही जाती है। तो अब हम देखते हैं कुछ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को, क्योंकि जितने भी आजकल की वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव होती है और होना भी चाहिए। मोबाइल यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और लोग मोबाइल के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए फिर जो आपके साइट का लेआउट होता है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ताकि मोबाइल पे भी फिट लगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में भी हम टैग्स को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन करते हैं लेआउट को वेबसाइट के, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव होता है। उसमें आपका जो मेन्यू है वो सिमट करना एक बटन में चला जाता है जब आप मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका मेन्यू जो होता है वो ड्रॉप डाउन की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा आप jQuery को इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए, जो कि लाइब्रेरी है एक, और फाउंडेशन की लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तकरीबन कवर हो गया है कि आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में जो होता है वो क्रिएटिव काम है थोड़ा सा, बस इसमें लॉजिक्स आप यूज़ नहीं करते, इसमें आप क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। आपने डिज़ाइन ऐसा बनाना है कि वो यूज़र को अट्रैक्ट करे, यूज़र फ्रेंडली हो डिज़ाइन, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी थोड़ी सी है और इंटरेस्ट है आपका, तो आप इजीली वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आ सकते हैं। तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं बहुत सारी अवेलेबल इंटरनेट पर, उनके थ्रू आप वेब डिज़ाइन लर्न कर सकते हैं। तो जो हमारा chronicaltext.com है उस पर आपका जो उर्दू YouTube कोर्सेज का सेक्शन है उसमें आपको कोर्सेज मिल जाएंगे HTML CSS Bootstrap के, और इसके अलावा उसमें कोर्स है अपना JavaScript का भी है,
और मैं फाउंडेशन का भी डाल देता हूँ वहाँ पे कहीं से देख के। यूट्यूब के कोर्सेज हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ जाके नीचे मैं लिंक दे दूंगा उस पेज का, जिस पेज पे ये लिंक पड़े हैं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और आप इस पर काम करेंगे तो आप बहुत जल्द इंशाल्लाह वेब डिज़ाइनिंग सीख जाएंगे। तो आपने इसी सीक्वेंस से चलना है, HTML से CSS पे। और HTML CSS करते हुए आपको थोड़ा बहुत काम फोटोशॉप पे भी करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो पिक्चर्स हैं उनका डिज़ाइन आप ठीक से कर सके। वेबसाइट्स के अंदर पिक्चर भी बहुत सारा इस्तेमाल होती है, तो उसी हिसाब से फिर आपकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे बस। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ट्राई करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में, कि आप वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। ये जो हमने इस वीडियो में कहा HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट वगैरह का, इसके अलावा भी लैंग्वेज यूज़ होती है वेब डिज़ाइनर में, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो मेन यूज़ हो रही है मेन वो साइट्स के अंदर, वो यही लैंग्वेजेस हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।